डॉगी की आवाज है, चल चेक करते हैं। हाँ। ये पकड़। अरे छोटा सा डॉगी है, अरे इसे छुओ मत, ये बहुत डर्टी है। अरे नहीं नहीं देख, इसे चोट भी लगी है। चोट भी लगी है। यार मत लो, मम्मा गुस्सा करेगी। किसी को मत बताना इस डॉगी के बारे में। मैं पहले इसकी फर्स्ट एड करूंगी और फिर ये बेचारा भूखा भी होगा, इसको मैं खाना भी दे दूंगी और फिर थोड़े दिन बाद मम्मा को बता दूंगी। चल लुल्लू, तू एक काम कर, अंदर जाओ चेक कर, मम्मा तो नहीं है। अगर मम्मा होगी तो मुझे इशारे से बता देना, ठीक है? मैं इसे चुपचाप गेस्ट रूम में रखती हूँ, ठीक है? इतना प्यारा, इसका नाम क्या रखूं? लेकिन मैं तेरा नाम है, हाँ मगनलाल अच्छा रहेगा, मेरा मगनलाल। अरे इसे तो चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ, तुम इधर ही बैठो, ठीक है? ये सही है। दर्द हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा। अब तुम ठीक हो जाओगे। मगनलाल तुम्हें प्यास लगी है? चलो तुम अभी इधर बैठ के आराम कर। अरे बास्केट भी है यहाँ तो। मम्मा तो नहीं आई ना? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं। ठीक है मैं उसके लिए पानी लेके आता हूँ, मगनलाल के लिए। मगनलाल? अरे देख अगर मम्मा आई तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ अंदर। ये लो पानी, लगता है बहुत प्यासा है ये। अरे लगता है ये भूखा भी है। रुक जा मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे दुन्नो यहाँ क्यों खड़े हो? अरे नहीं मम्मा ऐसे ही। अरे लगता है मम्मा आ गई, कुछ करना पड़ेगा। मगनलाल को कहीं छुपाना होगा, कहाँ छुपाऊँ? हाँ वो बास्केट, इसमें छुपाती हूँ। तुम अभी थोड़ी देर के लिए इधर ही रहो, तुम कंफर्टेबल हो ना? इसको कहाँ रखूं? हाँ कबर्ड में ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा कबर्ड खुला ही छोड़ रही हूँ ताकि तुम्हें सांस लेने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अरे चुपकू, हाँ इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं। और ये पानी लेके कहाँ जा रही हो? मैं तो पानी पी रही थी बाउल से। हाँ। Few moments later.
अरे इश्ना कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस बिस्किट खा रही थी। अरे बिस्किट खा रही हो तो आओ बैठो। नहीं मैं अंदर बैठ के खाती हूँ। क्या हो गया, आज अंदर बहुत जा रही हो तुम बार बार? हाँ वो अंदर बैठने में अच्छा लग रहा है। ठीक है ओके जाओ। आज तो बार बार बच गई, पकड़ी जाती पानी क्या करूँ कहती मम्मा मगनलाल को देख के। ये लो मगो, अच्छा लगा? लो और खा। कितना भूखा है ये। फ्रेंड्स अगर आपने भी ऐसे किसी भूखे डॉग की हेल्प की उसको फूड देके तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। बच गई। फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, मम्मा को पता चलेगा कि मैंने एक डॉगी छुपा के रखा है हमारे घर में? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब दीदी के साथ चेस खेलता हूँ। दीदी आ जाओ चेस खेलते हैं। छुट्टी मेरे दीदी, बुला के लाता हूँ। डराई दिया। मैं अभी नहीं आ सकती, मगनलाल अकेला है ना, तू जाओ अकेले खेल ले। चेस भी अकेला खेलना पड़ेगा इस मगन की वजह से। अरे हाँ सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं किया तो फटाफट कर दो। अरे दीदी चल बॉल से खेलते हैं। नहीं नहीं तुझे पता है ना मगनलाल अंदर है, मैं तो बस अपनी भूख लेने आई थी, जा रही हूँ मैं अंदर। फिर क्या बोला? कुछ नहीं, अकेले ही खेलना पड़ेगा। अकेले खेलने में तो मजा ही नहीं आता। इस मकड़ी का तो कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी स्टार्ट हो रहा है ठीक है। ये तो कोई डॉगी की आवाज है। चलो तुम अभी इधर सो जाओ जल्दी। छोड़ लेती थोड़ा सा कबर्ड कुछ बंद हो गया। इससे अच्छा छेटा लगाकर नौकर होता। बोल दुन्नो प्लीज। क्या अच्छे से रखना यार। अब चेस भी अकेले खेलना पड़ेगा। खेलना पूरी मगन को तो छीटा के दुकान फेंकना होगा।